हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं और इसकी फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। और एडिटिंग ग्रुप में तीन ऑप्शन आते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। ये सारे ऑप्शन का आज यूज करके हम देखने वाले हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर रखा है। आप लोग क्या करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करके वहाँ से विनवर्ड टाइप करके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले स्टाइल ग्रुप के टूल्स देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। स्टाइल ग्रुप में जो आपको टूल्स मिलते हैं, पहले यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइल मिलती है, जैसे कि नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, हेडिंग टू। जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसमें से कोई हमें हेडिंग क्रिएट करनी होती है तो हम स्टाइल ग्रुप का यूज करते हैं, या फिर हमें स्पेस विदाउट स्पेस में टेक्स्ट को लिखना है तो इसके लिए हम स्टाइल ग्रुप का यूज करेंगे, या फिर और कोई फॉन्ट स्टाइल में लिखना है तो स्टाइल ग्रुप का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने मैटर को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आएंगे यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में, तो यहाँ पे सबसे नीचे थ्री डॉट बनी हुई है, आपको निचले डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे स्टाइल मिलते हैं, आपको जो स्टाइल इनमें से सही लगती है उस पर क्लिक कर देंगे और वो उसी कलर में उसी फॉन्ट में यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। जैसा कि हमें कलर चेंज करना होता है तो फॉन्ट ग्रुप के यहाँ से हम कलर चेंज करते थे और टेक्स्ट का कलर चेंज करते थे, या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना था तो फॉन्ट फैमिली पर आके यहाँ से हम स्टाइल उसकी चेंज कर देते। बट ये सारी एक साथ में चीज़ें करने के लिए हम स्टाइल ग्रुप का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया आपको। या फिर इसमें आप किसी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर से डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग वन मिलेगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वो मैटर हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद आता है यहाँ पे चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में टोटल तीन ऑप्शन होते हैं, पहला सेट स्टाइल, फिर कलर्स, फॉन्ट्स। तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आते हैं चेंज स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट स्टाइल मिलेगा। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी मैटर की जो स्टाइल रखनी है उस पर क्लिक कर देंगे और वो अप्लाई हो जाता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कलर्स का, तो कलर्स पे आएंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपने जो हेडिंग यहाँ से अप्लाई कर रखी होगी उसका कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से इतने टेक्स्ट को आता हूँ, हेडिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया हेडिंग वन में कन्वर्ट इसको। अब फिर से जब इसको सेलेक्ट करके हम चेंज स्टाइल पे आएंगे, कलर पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप इसका कलर चेंज नज़र होता हुआ आ रहा है। यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को हम कलर को चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट इसमें आता है ऑप्शन फॉन्ट्स का, इस पर आएंगे तो जो हम लोग होम मेन्यू से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते थे वो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको लगभग वैसी ही फॉन्ट स्टाइल मिल जाती है जो होम मेन्यू में मिलती थी। इस तरीके से आपके ये तीन से चार टूल्स कंप्लीट होते हैं जो कि स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत दिखाए गए थे। एंड लास्ट इसमें ग्रुप आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में पहला ऑप्शन आता है फाइंड का, यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि वो टेक्स्ट कहाँ पे लिखा गया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे वो वर्ड या पैराग्राफ लिख देना है जिसको आपको फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया योर, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट वो हाईलाइट हो चुका है। आप जितनी बार यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे उतनी बार आपका टेक्स्ट हाईलाइट होता नजर आएगा, जहाँ भी आपके पेज पर लिखा हुआ होगा, जहाँ भी आपका योर वर्ड लिखा था वो हाईलाइट होता जा रहा है। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टूल इसमें देखते हैं, यहाँ पे रिप्लेस का आता है। रिप्लेस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है, जहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला फाइंड वर्ड, सेकेंड आता है इसमें रिप्लेस विद। फाइंड वर्ड में हमें वो वर्ड टाइप कर देना है जिसको हमें रिप्लेस करना है, जैसे कि मैंने इस पर वर्ड पैड में भी एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आता है रिप्लेस विद, इसमें वो वर्ड टाइप कर लेना है जिस वर्ड में आपको दोबारा चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे योर की जगह पे आवर लिखना है तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया आवर। आवर लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वन बाई वन करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो यहाँ पे पूरे पेज पे जितनी जगह योर लिखा हुआ होगा वहाँ पर आवर लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रिप्लेस ऑल और कर देते हैं यस, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ भी आपके पेज पे योर लिखा हुआ था वहाँ पे आवर हो चुका है। इस तरीके से हम काम करते हैं रिप्लेस का। एंड लास्ट इसमें ऑप्शन आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी मैटर लिखा हुआ होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। किसी भी वर्ड या किसी पैराग्राफ को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, जैसे मैं माउस से सेलेक्ट करता हूँ एक वर्ड को तो ये बोला जाएगा आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप माउस से भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन के साथ में अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी एरो यूज़ करना है आप यहाँ से प्रेस करेंगे और आपका मैटर सेलेक्ट होता जाता है।
इस तरीके से आपके ये दो ग्रुप थे होम मेनू के, लास्ट ग्रुप थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी डाउट रह गया है किसी भी टूल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर प्रॉपर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।